चलिए सीधा आपको ले चलते हैं इसरो, जहां पर एक और इसरो की तरफ से छलांग जो है लगाई गई है। थोड़ी देर पहले श्री हरिकोटा से कोटासेट 3 को लॉन्च किया गया। This again reinforces our confidence in the launch vehicle as a very reliable launcher capable of placing our spacecrafts in precise orbits and also carrying out the missions for our customers in a very successful way. तो इसरो ने इतिहास रचा है, कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया है इसरो की तरफ से। कार्टोसैट 3 के साथ अमेरिका के 13 नेटर नैनो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग भी यहां पर की गई है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कार्टोसैट 3 ले सकता है। 5 साल है कार्टोसैट 3 का कार्यकाल, 1625 किलो का इसका वजन है। और एक और जो छलांग है वो इसरो ने कार्टोसैट 3 की लॉन्चिंग के साथ ही हासिल की है। भारतीय समय अनुसार तकरीबन 9:30 बजे इस लॉन्चिंग को किया गया और अंतरिक्ष में एक और जो कीर्तिमान है वो इसरो के नाम दर्ज हुआ है। और किस तरीके से ये पूरी लॉन्चिंग की गई उसे हम आपको यहां एनिमेशन के जरिए भी दिखा रहे हैं। और अपनी कक्षा में जाकर स्थापित ये सैटेलाइट्स होंगे। और साथ ही साथ इसमें बता दें कि हिंदुस्तान की तरफ से इसरो की इस बड़ी छलांग के साथ ही अमेरिका के 13 सैटेलाइट्स को, जो नैनो सैटेलाइट्स हैं, उनकी भी लॉन्चिंग यहां पर कार्टोसैट 3 के जरिए की गई है। खासियत की अगर यहां पर बात की जाए तो ये निगरानी जो है वो घुसपैठियों की कर सकता है, सीमाओं की निगरानी जो है इसके जरिए की जा सकेगी। हाई रेजोल्यूशन जो तस्वीरें हैं वो इस सैटेलाइट के जरिए ली जा सकेंगी और निगरानी करने में आसानी यहां पर देश के दुश्मनों के खिलाफ होगी, पैनी नजर उन पर रखी जा सकेगी। वहीं कार्टोसैट 3 का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, 1625 वजनी ये सैटेलाइट। और वहीं एक अचूक हथियार की तरह भी यह काम करेगा। वह तस्वीरें जब कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया और उसने उड़ान भरी अपनी मंजिल तय करने के लिए, तीसरी आंख के तौर पर भी इसे समझा जा सकता है, जहां से नजर जो है रखी जा सकेगी इन हाई रेजोल्यूशन कैमराज के जरिए। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कार्टोसैट 3 ले सकता है, इसकी ये अपने आप में खासियत है।